हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल मनी ग्रोथ पर। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम बातचीत करेंगे वजीरस के बारे में। जानेंगे दोस्तों कि अगर आप वजीरस के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं इंडियन रुपीज़ के द्वारा, तो आप किस तरीके से जो है इंडियन रुपीज़ को यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। यानी कि दोस्तों, वजीरस के ऊपर इंडियन रुपीज़ की फॉर्म में डिपॉजिट करने की फुल प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने वजीरस अकाउंट को जो है लॉग इन करना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस होगा। अगर आपने अभी तक इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। आप वहां पर क्लिक करके इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको एक स्पेशली वीडियो बना करके देंगे। आप उस वीडियो को देख करके जो है फुल प्रोसेस करिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वजीरस का एडवांटेज आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, सबसे पहले अपना अकाउंट लॉग इन करना है। कुछ इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप जाएंगे दोस्तों, ऊपर की साइड में दिखेगा बटन फंड्स का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। दोस्तों, ये जो पोर्टफोलियो आपका एस्टिमेटेड है, ये हो सकता है कि आपने अदर कॉइन्स भी जो है यहाँ पर बाई किए हों, चाहे वो इंडियन रुपीज के द्वारा बाई किए हों या फिर जो है बिटकॉइन के द्वारा किए हों। तो टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जितने भी आपने कॉइन यहाँ पर परचेस कर रखे हैं। अब सिंपली दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिपॉजिट और विड्रॉल के बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन की फॉर्म में जो है यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो सिंपली बिटकॉइन के सामने जाइए और यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करिए। और अगर आप इंडियन रुपीज़ की फॉर्म में जो है यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको इंडियन रुपीज़ के सामने जाना होगा और यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर सर्विस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों NFT, IMPS और RTGS जो है यहाँ पर अवेलेबल है। साथ साथ में दोस्तों वजीरस की जो P2P सर्विस है वो भी अभी अवेलेबल है, हालांकि आने वाले समय में ये रिमूव हो सकती है। तो NFT, IMPS और RTGS के द्वारा अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहां पर आप क्लिक करिए। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि इनकी बैंक डिटेल जो है आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली इनकी बैंक डिटेल को जो है अपनी बैंक के अंदर दोस्तों इनको बेनिफिशियरी के रूप में जो है ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो आप उसी बैंक से यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे जिस बैंक को जो है आपने यहाँ पर ऐड कर रखा है। यानी कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा और अपनी प्रोफाइल जो है कंप्लीट की होगी, उस समय जो आपने यहाँ पर बैंक डिटेल प्रोवाइड कराई है अपनी, उसी बैंक डिटेल के द्वारा जो है आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, तभी आपका फंड जो है यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपका है कि आप इनको बेनिफिशियरी के रूप में ऐड करिए, और उसके बाद उसी बैंक से जो है डिपॉजिट करिए जिस बैंक अकाउंट को आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय प्रोवाइड करा रखा है। जब आप दोस्तों डिपॉजिट कर देंगे, आप कितना भी अमाउंट जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा है ऐड ट्रांसफर डिटेल का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने IMPS के द्वारा पेमेंट की है, तो यहाँ पर IMPS सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने NFT या RTGS के द्वारा या फिर UPI के द्वारा पेमेंट डिपॉजिट किया है, तो उसी ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। अभी दोस्तों हम यहाँ पर पेमेंट कर चुके हैं IMPS के द्वारा, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं IMPS, और यहाँ पर डालेंगे अमाउंट की, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होगा आप उतना डालिएगा, जितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने डाला है यहाँ पर 49,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है 12 डिजिट IMPS रेफरेंस ID। अच्छा दोस्तों, साथ साथ में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि IMPS ID या IMPS रेफरेंस नंबर क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा ये 49,000 रुपये का पेमेंट है, बाकी सारी डिटेल आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों लिखा है RRN, ये 12 डिजिट का जो रेफरेंस आईडी है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होता है। तो दोस्तों ये रेफरेंस आईडी जो है हम यहाँ पर जल्दी से फिलअप करेंगे, और उसी रेफरेंस आईडी को दोस्तों यहाँ पर रीएंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर रेफरेंस आईडी को जो है फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद सिंपली आपको जाना है सबमिट के बटन पर और यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि 24 घंटे में आपका अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे का टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर सिंपली 15 से 20 मिनट के अंदर, और कई बार तो दोस्तों आपका 10 मिनट के अंदर आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दिया जाता है। सिंपली दोस्तों हम यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आपका अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका अमाउंट वो प्लस होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, और आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस कि आप किस तरीके से वजीरस के ऊपर अपना इंडियन रुपीज के फॉर्म में फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वजीरस के बारे में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, या कुछ और जानकारी भी अगर आपको चाहिए, तो सिंपली कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया जाए और उसका एडवांटेज आप उठाने पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करते हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप हमें एजुकेट करते हैं।
जिस वजह से हम कुछ सीख पाते हैं और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।